वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ द एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं? कहीं कहीं हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हमें वहाँ पे रिमूव करना पड़ता है। अब ज़रा हम देखते हैं द की यूसेज क्या है। मैं दोनों साथ लेकर चलूँगी गर्ल्स, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट रूल ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल हटाने का रूल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का क्या मतलब है? आप आर्टिकल को हटा दोगे। अब देखते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज, जब भी आप किसी भी चीज़ का नाम आए, चाहे वो कंट्री का नाम हो, चाहे पर्सन का नाम हो, चाहे मंथ का नाम हो, चाहे स्पेसिफिक प्लेस का नाम हो, इसको मैं ईजी बनाती हूँ, किसी का भी नाम है, प्रॉपर नाम, ओके गर्ल्स, प्रॉपर नाउन जब भी आए, यू विल नॉट पुट एनी आर्टिकल्स। ना आप दा लगाओगे, ना आप आ लगाओगे, ना आप एन लगाओगे, ओके। हियर इज एग्जांपल, जापान, सलीम, गांजी, अनसलाय, मार्च, फ्राइडे, क्रिसमस, ओके गर्ल्स। फॉर एग्जांपल, आप लोग जब सेंटेंस बोलते हो ना, आई लिव इन पाकिस्तान, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान, कभी आपने कहा है ऐसा? आई लिव इन द पाकिस्तान, कभी कहा है आपने? आई लिव इन द पाकिस्तान, कभी नहीं कहा। अभी आपके जहन में भी आया होगा कि हम कभी नहीं कहते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, आई लिव इन कराची, आई लिव इन कराची, आप लोग अक्सर यही बोलते हो। आप लोगों ने कभी ये कहा है आई लिव इन द कराची? वी नेवर से लाइक दैट। हम कभी भी द कराची से पहले भी नहीं लगाते और द पाकिस्तान से पहले भी नहीं लगाते। अब कभी आपने सुना है किसी का भी नाम बोलती हूँ, जैसे द सना, द सना कभी आपने सुना है? नो, यू नेवर हियर। अब देखते हैं गर्ल्स, एक ऐसी चीज़ होती है जैसे हम कायदे आज़म का नाम जब भी लेते हैं तब हम दा लगाते हैं। सो कायद नाम नहीं है, मोहम्मद अली जीना नाम है, कायद उसका टाइटल है। और जब भी आप टाइटल की बात करेंगे ना, तब आप क्या लगाएंगे? द। लेट मी राइट गर्ल्स, मैं ये वर्ड के पेज पर आपको लिखती जाऊंगी, रूल ऑफ द, रूल्स ऑफ द। तो फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट रूल हमने ये पढ़ा कि बिफोर एनी टाइटल, बिफोर एनी टाइटल, वी पुट द, जैसे कि कायदे आज़म मैंने आपको कहा। अब एक और मैं दा का रूल पढ़ाऊँगी। अभी अभी मैंने कहा कि वी नेवर यूज़ द बिफोर कंट्री नेम। अभी मैंने कहा ना, जब भी कंट्री का नाम आएगा आपको दा नहीं लगाना, लेकिन एक केस में दा लगता है, वो केस क्या है गर्ल्स? नेक्स्ट रूल मैं दा का पढ़ा रही हूँ, एक जब भी आप कंट्री के नाम के मिडल में ऑफ देखेंगे, कंट्री के नाम के मिडल में, कंट्रीज नेम में आप ऑफ देखेंगे तब आपको दा लगाना है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड, ओके पूरा लिखने दें गर्ल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, गर्ल्स कैन यू सी ऑफ हियर, ऑफ अमेरिका। अब मैंने यहाँ पे दा क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ऑफ आ रहा है, ओके गर्ल्स। एक और रूल मैं बताती हूँ, बल्कि इसी वाले सेकंड रूल को मैं और ज़्यादा इसको जनरलाइज करती हूँ। आप किसी के भी नाम के बीच में ऑफ देखेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी का नाम हो, तब भी आप क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। जैसे कि आप अगर कराची यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं तो आप दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना किसी के भी नाम से पहले दा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, तो देखो ऑफ आ रहा है, सो बिफोर दिस वी विल पुट द, द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सो गर्ल्स, ये आपको क्लियर होगा, फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया? टाइटल से पहले, देन द सेकंड रूल, जब भी आप मिडल में ऑफ देखेंगे देन यू विल पुट द। अब फिर से हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की तरफ आते हैं, किसी भी नाम से पहले आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। सेकंड रूल ज़रा देखते हैं, डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ मेटल्स। मेटल्स आपको पता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हैं,
So before metals, you will not put any article. Okay? ये आप देख सकते हैं, आयरन कॉल आर फाउंड इन इंग्लैंड. आपने दान ही लगाया, देखो इस सेंटेंस में दान ही लगा हुआ. अब गोल्ड इज अ कॉस्टली, हमने गोल्ड से पहले भी दान ही लगाया. सो बिफोर मेटल यू विल नॉट पुट एनी आर्टिकल, दिस इज़ अ रूल. आप रूल को नहीं तोड़ सकते. अब कोई गर्ल्स ये कहेगी कि मिस हम तो लगाते हैं, तो आप गलत लगाते हैं, आपको नहीं लगाना चाहिए. अब थर्ड देखते हैं, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज. कभी भी आप लैंग्वेज की बात करेंगे, सो यू विल नॉट पुट एनी आर्टिकल. जैसे हिंदी इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, वी आर स्टडिंग अरेबिक. अब मैं आपको बताती हूँ एक और एग्जांपल, वी आर लर्निंग इंग्लिश. इंग्लिश से पहले आप कभी भी दा नहीं लगाते हो जब आप लैंग्वेज की बात करते हो. आपने कभी ये कहा है वी आर लर्निंग द इंग्लिश? कभी नहीं कहा, दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. लेकिन एक जगह पर इंग्लिश के साथ दा लगता है. ज़रा देखते हैं, दा के रूल की तरफ जाती हूँ, इलाज करती हूँ गर्ल्स. सो यू कैन सी फोर्थ रूल्स ऑफ द. फोर्थ रूल क्या है? जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, जब आप सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, देन यू विल पुट द. तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है. जैसे कि आई एम रीडिंग द उर्दू. वन मिनट, ये भी लैंग्वेज हो जाती है. ज़रा कुछ और देखते हैं. आई थिंक द क्वेश्चंस ऑफ English is difficult. अब question answer किस में होते हैं? Of course English subject में होते हैं. The economics is difficult. Now economics is a subject name. So हमने economics से पहले क्या लगाया? The. अब next rule की तरफ आते हैं, जो कि ओमेजन ऑफ आर्टिकल है. वेट, नेक्स्ट रूल पढ़ाते हैं चला हम. ये हमने लैंग्वेजेस का ही पढ़ लिया. नाउ फोर्थ रूल, डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं गर्ल्स? जिसको आप देख नहीं सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं. जैसे कि लव, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, रिवेंज. ओके, ट्रथ यहाँ पर आप देख सकते हो. ट्रथ आप सच्चाई को नहीं देख सकते हो. तो आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप नहीं लगाओगे कोई भी आर्टिकल. जैसे कि ट्रथ, नॉलेज, लव, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विस्टम, एब्सेंस, स्ट्रेंथ, विस्टम, क्लीननेस, आप सारे देख सकते हो. दिस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और इससे पहले क्या है, हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया. अब आगे देखते हैं कोई है रूल या नहीं है. पाँचवा रूल है, डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन. ओके, अब गर्ल्स ये आपको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी तो मैं जो आप पहले वीडियो देख रहे थे उसमें मैंने कहा था कॉमन नाउन से पहले आ और एन लगेगा. तो फिर यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ये ज़रा रूल समझने की कोशिश करना जब आप पूरी क्लास को डिस्क्राइब कर रहे हो. यहाँ पे देखो, कैट लाइक माइस. अब बिल्ली चूहों को पसंद करती है. क्या पता है एक बिल्ली चूहे को पसंद करती है या सारी बिल्लियाँ चूहे को पसंद करती है? जब हम सबकी बात करते हैं ना, बिल्ली एक बिल्ली की बात नहीं कर रहे, सारी बिल्लियों की नस्ल की बात करें. जब हम एक क्लास की सबकी बात कर रहे होते हैं ना, तो हम उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं. जैसे कि डॉग्स आर फेडफुल एनिमल्स. अब मैं वैसे तो डॉग्स लिख रही हूँ, अगर मैं डॉग लिखूँगी तो भी आप इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे. डॉग इज़ फेथफुल एनिमल. अब देखो, डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन इससे पहले मैंने आर्टिकल नहीं लगाया. वजह क्या है? एक कुत्ता वफादार नहीं होता, सारे कुत्ते वफादार होते हैं. जब हम सबकी बात करते हैं ना, तब हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते. एक और मैं आपको यहाँ पर, बॉयज़ प्ले गेम. अब देखो, सारे बॉयज़ गेम खेलते हैं, एक बॉयज़ नहीं खेलता. इसके अलावा मैं एक और ट्रिक बताती हूँ गर्ल्स. यहाँ पे देखो, आप प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है.
और आप जो पहली वीडियो देखी थी ना जिसमें मैं आ और एंड यूज़ कर रही थी, उसमें एक एक की बात कर रहे थे, एस नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर एस लगा हुआ है। ओके, इसलिए इससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जब आप पूरी क्लास की बात करेंगे तब आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ती हूँ मैं सिक्स पर। डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ द गेम्स। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी किसी का भी नाम है, अब चाहे वो गेम का नाम हो, चाहे कंट्री का नाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, इवन हिल्स का नाम हो, माउंटेन का नाम हो, आइलैंड का नाम हो, ओशंस का नाम हो, किसी के भी नाम से पहले रिमेंबर दिस थिंग, मैं आपके रूल्स को और इजी कर रही हूँ, किसी का भी नाम है, यू विल नॉट पुट एनी आर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए टेनिस, फुटबॉल, बेसबॉल, चेस, ये सारे जो आप गेम्स के नाम देख रही हूँ उससे पहले आप नहीं लगाओगे आर्टिकल्स। Do not use any article before the name of relative. जैसे कि father, aunt, mother, sister. जब आप relatives की बात कर रहे होंगे then you will not put any article before them. We do not use any article before the name of the continent and the countries. अभी मैंने बात की किसी का भी नाम हो, चाहे country का नाम हो, चाहे continent का नाम हो, चाहे island का नाम हो, चाहे mountain का नाम हो, किसी का भी नाम क्यों ना हो, you will not put any article. So यहाँ पर देखो कॉन्टीनेंट की बात कर रहे हैं, एशिया कॉन्टीनेंट है, इसलिए हमने कोई आर्टिकल्स नहीं लगाया। इसके अलावा भी मैं रूल्स बता रही हूँ, यहाँ तक आपके रूल ख़त्म हो गए। इसके अलावा आप कोई फूड के नाम बताएंगे या कोई फेस्टिवल के नाम बताएंगे तो उससे पहले भी आप आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। सो ये था आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल और दा का रूल। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.